Everybody get your fucking hands up. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम फोर्ट। मैं एक बार आपको स्टोरी बता देता हूँ कि स्टोरी में चल क्या रहा है। तो इसमें एक आइसक्रीम मेकर रहता है जिसने हमारे सारे फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा है। लास्ट टाइम जब हम उन्हें बचाने गए थे तो ऑलमोस्ट आइसक्रीम मेकर ने हमें ही पकड़ लिया था, बट जैसे तैसे हम उससे बच के आ गए। तो देखते हैं आज हम अपने फ्रेंड्स को बचा पाते या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में सिर्फ 3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये बाकी के 97% लोग कहाँ हैं? तो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करके इस ग्राफ को बढ़ाओ। तो चलो गाइज, अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो आइसक्रीम मेकर जिसका नाम रोड है, उसने हमें किडनैप करके अपने फैक्ट्री में ले आया है। तो देखते अब हमें ये कहाँ लेके जा रहा है। लास्ट टाइम हमने इसकी रेसिपी चुरा ली थी, फिर हमने उसी रेसिपी से बनाई हुई आइसक्रीम खा ली जिससे हम मोटे हो गए, क्योंकि आइसक्रीम अंकल से मोटे बच्चों को ही किडनैप करता है। तो देखते ही हमें कहाँ लेके जा रहा है। तो ये देखो, ये रहे हमारे सारे फ्रेंड्स, हमें इन्हीं को एस्केप करवाना है इस फैक्ट्री से। एस्केप करना बहुत हार्ड होने वाला है। इसको बहुत मजा आ रहा है भाई, ऐसे रीयूनाइट होने का कोई फायदा नहीं है। ये मजे ले रहा है आज तो इसके फैक्ट्री से एस्केप करने है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। बट वेट, इस रूम में कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चलो इसे ही पता लगाएंगे कि इसमें क्या है। वो अंदर चला गया है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू नीड टू गेट आउट दिस केज एंड रेस्क्यू योर फ्रेंड्स। तो इसने अभी हमें ला के केज में बंद कर दिया है और हमें इस केज से बाहर निकल के अपने दोस्तों को बचाना है। द लॉक इज अबाउट टू ब्रेक, तो हमें इस लॉक किसी चीज से तोड़ना है। यहाँ पे एक बेंच है, इस बेंच पे से हमें एक रेंच मिल चुका है, तो शायद अब इस रेंच से हमें इस लॉक को तोड़ना है। तो एक बार ट्राई करके देखते, पहले इसको मिनी रोबोट को यहाँ से जाने देते हैं। वो जा रहा है, एक बार और देख लेता हूँ कितना दूर गया। तो चलो वो चला गया, अब हम इस रेंच से इस लॉक को तोड़ के देखते हैं ये टूटता है या नहीं। तो चलो लॉक टूट चुका है, अब हम इस केस से बाहर निकल जाएंगे। पहले इस मिनी रोबोट को यहाँ से जाने देते हैं। इस आइसक्रीम मेकर के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है आइसक्रीम की, तो अपना आइसक्रीम भेजना, बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। तो चलो हम केस से बाहर आ चुके हैं, अभी हम अपने दोस्तों को अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि उनका लॉक इलेक्ट्रिक है। तो हम देखते हैं उन्हें अनलॉक कैसे करना है। तो अभी मैं इस वेंट से निकल के बाथरूम में आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे एक मिनी रोबोट की फुट स्टेप आ रहे हैं, इसलिए मैं छुप गया था थोड़ा। क्या पता यहाँ पे एक और रोबोट लगा रखा हो। यहाँ पे एक कट सीन है, यहाँ कुछ तो मेन चीज़ें इसीलिए कट सीन दे रखा है। चलो देखते क्या चीज़ है वो। कंट्रोल रूम, और ये बॉडीगार्ड इतना मोटा, ये तो पूरा गेंडा हो रखा है। यहाँ का फ्लोर टूटा हुआ है, मेरे को लग रहा है इसको यहाँ से गिराना है नीचे। यहाँ एक और वेंट है, देखते ये वेंट कहाँ जा रहा है। तो ये वेंट वहीं पर आ गया है, चलो इसे भी खोल देते हैं, बाद में हमारे ही काम आएगा। तो अब हम वापस वहीं पे चलते हैं। यहाँ एक डोर था, यहाँ पे भी एक मिनी रोबोट घूम रहा है। तो देखते हैं वहाँ कहाँ पे है, पहले इसमें से देख लेते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। ये ऑफिस तो बहुत बड़ा है। यहाँ एक ड्रॉअर है, इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ से हमें एक ट्रॉफी मिल चुका है, ए ट्रॉफी फॉर द बेस्ट आइसक्रीम मेक पार्ट लुक लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, यानी कि इसका टॉप पार्ट स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकता है। पता नहीं अब इसमें स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है। तो यहाँ से मैं थोड़ा जॉयस्टिक का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ये छोटे जॉयस्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में, इसलिए मैंने जॉयस्टिक का साइज़ बड़ा कर लिया है। अब और देख लेता हूँ, क्या पता और कुछ मिल जाए। यहाँ पर भी एक ड्रॉवर है, यहाँ से मेरे को फुट स्टेप आ रहे हैं मिनी रोबोट के, इसलिए मैं थोड़ा छुप गया था।
यहाँ एक ड्रॉवर है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ एक और ड्रॉवर है, इसमें भी चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ मिल जाए। ये भी खाली है। तो आगे देखते हैं, एक बार इस ड्रॉअर में भी देख लेता हूँ, ये भी खाली है। तो चलो बाहर जाके देखते हैं। यू नीड ए टूल टू टेक देम डाउन, यानी कि यहाँ पे शायद हमें एक क्रो बार चाहिए जिससे हम इसके नेल्स को ओपन कर सकें। तो मैंने अभी ये ट्रॉफी यहीं पे ड्रॉप कर दी क्योंकि इसके यूज़ मुझे नहीं पता। तो अभी इधर एक ड्रॉअर है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनी रोबोट आया, तो पहले मैं इससे छुप जाता हूँ, नहीं तो क्या पता ये क्या ही करेगा। एक बार देखते हैं ये क्या करता है, ट्राई करते हैं। रुको वो उधर जा रहा है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो करंट दे रहा है, यानी कि हम इसके करंट से बेहोश हो जाएंगे और आइसक्रीम मेकर हमें आके पकड़ लेगा। और इसने एक अलार्म बजाया जिससे आइसक्रीम मेकर आ रहा होगा। हम छुप जाते हैं। तो अभी मैं दूसरे साइड से देखता हूँ कि आइसक्रीम मेकर आया या नहीं। तो इधर तो नहीं है, गेट भी बंद है। सो ओपन करता हूँ, आइसक्रीम मेकर सामने ही। रुको, इससे बच के भागना होगा हमें। तो मैं अब इससे भागता भागता दूसरे साइड पे आ चुका हूँ। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ ये देखने के लिए वो किस साइड से आया था। तो अब मैं दूसरी साइड से उसी साइड जा रहा हूँ जिस साइड से वो आया था। तो इधर एक आइसक्रीम फेंका हुआ है, ये इसका गराज है। यानी कि आइसक्रीम मेकर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर काम करेगा। गराज भी संभाल रहा है, आइसक्रीम भी बनाता है, किडनैपिंग भी कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक क्रोबार मिल चुका है, यहाँ एक स्टेप ग्लाइडर है, देखते हैं इससे क्या होगा। अरे ये चल क्यों नहीं रहा, ये एक और वेंट है, ये लॉक है। अच्छा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का काम होगा, यानी कि हमें स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है। वो आइसक्रीम मेकर आ रहा है, इधर गलत आ गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे, कि वो अगर आइसक्रीम मेकर आएगा तो मैं बच भी नहीं सकता उससे, और ऊपर जाऊँगा तभी पकड़ लेगा वो। मैं यहीं पे रुक के देखता हूँ थोड़ी देर। मैं सोचा कि ये क्रोबार उसके मुंह पे फेंक के मारूँगा जब वो आएगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, आ रहा है वो, रुक जाओ थोड़ी देर और। अरे कितना टाइम लगाएगा, कब से उसके थोड़े थोड़े फुट स्टेप आ रहे हैं लेकिन अभी तक वो आया नहीं। इतना धीरे तो मैं भी नहीं चलता जितना ये चल रहा है। पता नहीं अलग ही मौज में चलता है अपने। अब उसके फुट स्टेप थोड़े तेज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। चलो वो आ गया है सामने, ये उसने अभी तक हमें नहीं देखा है, अभी भी नहीं देखा। ये अपना अलग ही चल रहा है। अब उसने हमें देख लिया आ रहा है। अब यही क्रोबार फेंक के मारूँगा, ले कुछ देख लिया तो हो गया, इसका सर चकराने लगा है। तो चलो हम अपना क्रोबार उठा के भागते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जहाँ पे क्रोबार का यूज़ था। तो हम इसे लेके जा रहे हैं, बस वो रोबोट ना मिल जाए। तो चलो हम आ चुके हैं यहाँ, अपना ये यूज़ करते हैं। ये खुलने वाला था, खुला नहीं, ये रोबोट है, इसलिए मैं थोड़ा इससे छुप जाता हूँ, नहीं तो ये दोबारा अलार्म बजा देगा और वो आ जाएगा। तो मैं दूसरी साइड से जाता हूँ, वो वहीं पे जा रहे हैं। थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे, छुप जाता हूँ। थोड़ी देर यहीं पे वेट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत धीरे चलता है वो रोबोट। यहाँ पे वेट करके थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद वो अब चला ही गया होगा। लेकिन एक मिनट और रुक जाते हैं ताकि वो चला जाए और हम अपना काम आराम से कर लें। तो चलो अब चलते हैं। हाँ शायद वो गया, देखो यहाँ पे आइसक्रीम अंकल भी आया था। लेकिन अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो मैंने 2 किलो ओपन कर दिए, ये तीसरा हो गया। लेकिन अब मेरे को छुपना होगा, क्योंकि वो रोबोट यहीं पे आ रहे हैं। आया फिर चला भी गया, गया ये दूसरे रूम में गया। तो चलो एक बचा है, हम इसे भी ओपन कर देते हैं। ये ओपन हो चुका है, अब देखते हैं इसमें क्या मिलेगा।
यहाँ में एक और स्टेप ग्लाइडर मिल चुका है, इसका पता नहीं क्या यूज़ है। इन अब पहले मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ तो मेरे को पता चल गया, मैं वो ले लेता हूँ पहले। तो चलो पहले वो ट्रॉफी ले लेते हैं। तो मैंने ये ट्रॉफी ले लिया, अब मैं उस रोबोट के पास चला जाता हूँ ताकि वो रोड को बुला ले यहाँ पे, यानी कि आइसक्रीम मेकर को, और हम अपना काम आराम से कर सकें। तो अब इसने मेरे को करंट दे दिया था। मेरी ट्रॉफी कहाँ गई? यहीं पे तो गिरी थी, कहाँ ही गायब हो गई। अच्छा वो रही वो रही, पहले मैं ट्रॉफी उठा लेता हूँ। मैंने अब अपनी ट्रॉफी उठा ली है, अब मैं जाता हूँ अनलॉक करने उस वेंट को। बस वो आइसक्रीम मेकर यहाँ से चला गया हो, तो डोर ये सब तो ओपन है, मेरे को लग रहा है वो चला गया। एक बार जाके चेक कर लेते हैं। मैं उसके गैराज में आ चुका हूँ। हाँ वो नहीं है यहाँ पे। चलो अब मैं जाके अपना वेंट ओपन करता हूँ, देखते इस वेंट से हम कहाँ पहुँचेंगे। तो मैंने एक स्क्रू ओपन करा, ये क्या हुआ? चलो एक बार और कर देते हैं। एक स्क्रू ओपन किया और दूसरा ओपन करता हूँ। मैं दूसरा स्क्रू भी ओपन कर दिया, अब इस वेंट में जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं कहाँ जा रहा है ये वेंट। ये वेंट बहुत लंबा है, आइसक्रीम मेकर भी हमारे पीछे आ रहा है। Hope he doesn't go too far. If something happens, my mini runs will let me know. ये कह रहा है कि हम जा जा रहे हैं वहाँ पे और भी मिनी रोड्स हैं, वो हमें देख के साउंड कर देंगे जिससे वो हमें पकड़ने आज चला जाएगा यहाँ से, यानी कि हमें उनसे बस छुप छुप के रहना होगा। नहीं तो ये रोड से तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते वो जगह कौन सी है। ये अपना वैन रिपेयर करने लग गया। हम इस वेंट के थ्रू एक दूसरी जगह आ चुके हैं, ये भी इसके फैक्ट्री का ही पार्ट है एक। देखते हैं यहाँ बहुत सारे लॉकर हैं, इनमें तो शायद आईडी कार्ड लगेगी, वो आईडी कार्ड हमें ढूंढना होगा कहीं से। तो यहाँ पे बहुत सारे छुपने के लिए लॉकर्स भी हैं, तो हम जाके देखते हैं इसकी फैक्ट्री में। तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या है उस साइड। देखते इधर एक मिनी रोड जा रहा है, और ये लॉक, ये डोर लॉक है, ये भी लॉक है, मतलब ओपन ही नहीं हो गई है। इसलिए लॉकर छुपने के लिए वो बहुत फुट स्टेप आ रहे हैं मिनी रोड्स के, इसलिए मैं थोड़ा छुप जाता हूँ यहाँ पे ताकि वो पार हो जाए और फिर हमें आसानी हो थोड़ी, क्योंकि वो साउंड करेंगे तो यहाँ पर रोड आ जाएगा। मेरे को लग रहा है कि वो जा चुके हैं, अब मैं भी जाता हूँ यहाँ से। चलो चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ता बंद है, यहाँ एक और वेंट है, यहाँ पे लॉकर है जी, जो लॉक है इसकी की चाहिए। अब यहाँ से जाते दूसरे वेंट से, यहाँ पे वेंट बहुत सारे हैं। हम भी यहाँ आगे, यहाँ बहुत सारे लॉकर्स हैं। यहाँ पे एक रोड है जिसने हमें शायद देख लिया है, वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे तो आ चुका, मैं बस छुप जाता हूँ यहाँ पे ताकि रोड आया हो तो चला जाए। मेरे को लग रहा है कि वो अब चले गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी और देर छुप जाते हैं ताकि वो हमें ढूंढ ही ना पाए। शायद अब वो चले गए होंगे, तो चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। चलो चलते हैं। यहाँ वेंट है एक, यहाँ पे एक मिनी रोड है, यहाँ पे पता नहीं नंबर्स भी लिखे हुए हैं कुछ, उसका भी कुछ यूज होगा। एवं मैं दोबारा छुप जाता हूँ, उसने साइड में वो देख लिया है। मैंने थोड़ी वीडियो कट कर दी है क्योंकि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। अब मैं एक वेंट से बाथरूम में आ चुका हूँ,
और यहाँ पे एक ख़राब रोड है, मिनी रोड, जिसकी आईडी कार्ड मुझे मिल चुकी है। उनको आईडी कार्ड ले देते पहले आईडी कार्ड। अब जाके देखते हैं लॉकर्स में, क्या पता हमें कुछ काम की चीज़ मिल जाए। अब हम इस आईडी कार्ड को लेके दूसरे वेंट में जा रहे हैं। इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब उसमें होगा ले नहीं है, आईडी कार्ड उसका नहीं है। अब मैं यहाँ छुप जाता हूँ थोड़ा सा। तो चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे को लगता है रोड दूसरी साइड गया होगा। चलो वेंट से हम कहीं और चलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मिनी रोड आ रहा है, इसलिए मैं छुप गया हूँ दोबारा से। देखो वो रहा, यहाँ के झाड़ू लगा रहा है। तो चलो अब उसके जाने का इंतज़ार करते हैं, वो जाएगा तो हम कहीं और जाएंगे। तो शायद अब वो जा चुका है, अब हम भी चलते हैं यहाँ से वेंट के थ्रू किसी और जगह। यहाँ पे एक कोड लगा, शायद वो नंबर सी है वो कोड, और ये मेरे पीछे आ रहा है। चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। अरे ये क्या था, ये कहाँ से आ गया यार? इसने मेरे को दोबारा से शायद मेरे को बंद कर देगा केस में। मेरे पास 2 लाइफ बची है, पता नहीं कहाँ से ये आ गया यार, दिखाई नहीं, या लगी स्कैम हो रहा है मेरे साथ। चलो इसने हमें दोबारा केस में बंद कर दिया, लास्ट टाइम हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब हमारे साथ नहीं होगा वैसा। अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इसके लिए की चाहिए शायद। वो मिनी रोड यहीं पे आ रहा है, लेकिन वो अभी हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम लॉक हैं। इसके सिर पे पेन है, ये पेन उठा लिया मैंने, मेरे को लग रहा है अब इससे केस अनलॉक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो हाँ, ये केस अनलॉक हो रहा है, इन पहले उसे जाने देते हैं, फिर अनलॉक करेंगे। ये वो चला जाए फिर अनलॉक कर लेंगे, फिर नहीं तो ये रोड को बुला लेगा और हमारे पास एक ही रास्ता है जाने का। ये मिनी रोड हमारे पास आ गया, मैं थोड़ा तो साउंड कर देता हूँ। तो चलो अब ये जा रहा है, एक बार ये थोड़ा दूर चल जाए। चलो हम अनलॉक कर लेते, तब तक अनलॉक हो गया। अब निकल के डायरेक्ट वेंट से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम वेंट से वो बाथरूम में जा रहे हैं। चलो अब जाते हैं, वो जो दूसरा मिनी रोबोट है उससे हम पंगे लेते हैं थोड़ा जाके, ताकि वो रोड को बुलाए। एक क्रोबार ले लेता हूँ, जब रोड है तो उसके सर पे फेंक के मारूँगा दोबारा से, पिछली बार उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। ये रहा, इसने आवाज़ कर दिया है, वो रोड आ जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा छुप जाता हूँ यहाँ पे। चलो अब जाके देखते हैं रोड आके गया या नहीं, मेरे को डर लग रहा है जाने में वहाँ पे। चलो एक बार फिर भी जाके देखते हैं, शायद गया। ये क्या था, ये तो यार पिछली बार से भी ज़्यादा गलत हुआ, ये हमें मार सकते, ये तो सोया हुआ था। कुछ भी करा, मेरे पास एक ही लाइफ बची है। अब देखते हैं क्या हम एक लाइफ में अपने फ्रेंड्स को इस्केप करवा पाते हैं या नहीं। तो इसने दोबारा से ला के हमें केस में बंद कर दिया है। पिछली बार हमें रोड ने धप्पा किया और इस बार इस गेंडे ने हमें धप्पा कर दिया। अब देखते हैं केस से कैसे अनलॉक करना है। ना इसके सर पे पेन भी नहीं है इस बार, यहाँ पे एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग में ऑप्शन तो आ रहा है किसी चीज़ का, तो देखते इसे गिरा के। तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, रुको देखते हैं। तो चलो गाइज, यहाँ से हमें की मिल चुकी है, अब चलते हैं, अब पिछली वाली गलती नहीं होगी। मैं डायरेक्ट जाता हूँ उस पहले मिनी रोड से पंगा लेने, लेकिन अब इस बार इसमें टच नहीं होगा जाके। शायद वो गया, एक बार मेरे को मिनी रोड से पंगा लेना होगा थोड़ा। मैं छुपने के लिए अनलॉक कर लेता हूँ पहले। तो ये कौन सा रास्ता है वो देखते हैं। अच्छा, ये वही वाला रास्ता है।
चलो हम जाते हैं दोबारा उस मिनी रोड से पंगा लेते पहले। बस इस बार ये ना हो जाए कि मैं मिनी रोड से पंगा लेने जा रहा हूँ और आइसक्रीम अंकल मेरे पीछे ही आ रहा हो। इस घर में मिनी रोड, चलो इस पंगा लेते ले लिया। अब मैं जाके थोड़ा छुप जाता हूँ। चलो मैं इस साइड आ चुका हूँ। इस साइड पहले मैं एक गेट बंद करता हूँ, नहीं तो मेरे को देख के डायरेक्ट धप्पा ही करेगा। शायद वो जा चुका है क्या, एक बार ट्राई करते हैं खोल के। लेकिन खोलने में तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी अब खोल के देखते हैं। चलो डर के आगे जीत है। तो हाँ शायद वो जा चुका है। इस बार 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 बचा हूँ मैं, नहीं दोबारा वो मेरे को मारता। शायद वो जा चुका है। चलो हम चलते हैं। अभी भी जाने में मुझे डर लग रहा है। हाँ वो जा चुका है। चलो चलो चलते हैं इस इवेंट के थ्रू आईडी कार्ड लेने। अब मेरे को ये भी याद नहीं हुआ आईडी कार्ड गिरा कहाँ पे था, और वेंट भी बहुत भूल भुलैया जैसे, मैं भूल भी गया किस वेंट से जाना है। कोई नहीं, पता लगा लेंगे हम। अभी आइए, रोड यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे को लगा ये ऊपर के साइड गया, लेकिन ये तो यहीं पे है। चलो ये अभी से बच के मैं इस साइड आ गया हूँ। एक बॉम है मेरे पास, मैं इसे लगा के देख रहा हूँ, लेकिन ये लग नहीं रहा। क्या पता यहाँ पे लग जाए। रुको यहाँ लगाता हूँ ये बॉम। अब वो आएगा डायरेक्ट उसके मुंह पे बॉम फटेगा, तब उसे मजा आएगा। चलो वो आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। वो आ चुका है। ये फट गया, बहुत बुरा वाला फटा है। ये शायद बेहोश हो गया कुछ देर के लिए। चलो हम इस वेंट के थ्रू वापस जा रहे, वहीं पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें वो आईडी कार्ड ढूंढना है बस। यहाँ पे एक और आइसक्रीम का पीस था, पता नहीं उसका क्या यूज लेन रखा, या नहीं कुछ तो यूज होगा। लेकिन पहले मैं आईडी कार्ड देख लेता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक मिनी रोड घूम रहा है। चलो मैं दूसरे साइड जाता हूँ इस इवेंट से, क्या पता उस साइड मिल जाए मुझे। लेकिन हम एक बार तो फालतू में ही मर गए हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक मिनी रोड था इसलिए मैं दूसरे साइड आ गया हूँ। यहाँ पे भी आईडी कार्ड नहीं है। ये मैं बाहर जाके देखता हूँ। ये तो ख़राब है, ये रोबोट शायद ख़राब हो गया है, इसीलिए इसके आईडी कार्ड हमने लिए। चलो दूसरे साइड चलते हैं। एक तो इतना अंधेरा है ना इवेंट में, कुछ दिखता भी नहीं है। इधर तो नहीं है। चलो दूसरे साइड चलते हैं। मेरे को लग रहा है हम जहाँ से आए थे वहीं पे गिरा था, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ मैं देख लिया। इधर है शायद, हाँ ये रहा। हम आए और हमें दिखा भी नहीं। चलो अब सारे लॉकर्स चेक करते हैं। इधर देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं। हम जहाँ से शुरुआत में आए थे वहाँ पे भी है। इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, तो यानी कि शुरुआत में जाना होगा। यहाँ पे कुछ ये बटन दबा देता हूँ मैं। ये बटन मैंने दबा दिया है। अब चलो दूसरे लॉकर्स को चेक करने चलते हैं। और अब मेरे को पता भी नहीं मैं कहाँ से आया था, भूल गया मैं। यहाँ पे मिनी रोड दूसरी साइड जा रहे हैं। मैं दूसरे, अच्छा दूसरी साइड तो रास्ता ही नहीं है, इस वेंट के थ्रू ही जाना होगा। चलो ये मिनी रोड इधर से जा रहे हैं, मैं दूसरी साइड से जाता हूँ। एक तो यहाँ के रास्ते भी याद नहीं हो रहे, इतने भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं। इधर भी मिनी रोड है, तो मैं यहाँ से दूसरे साइड पे आ चुका हूँ।
इस बाथरूम के साइड से। ये वाला एरिया मैंने नहीं देखा है भाई, ये वाला एरिया भी देख लेता हूँ। चलो इधर एक गेट है, उधर से जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ तीन चीज़ें हमें ला के लगानी है। मेरे को लग रहा है वो आइसक्रीम ही लगाना है, बाद में चेक करेंगे। पहले हम इस वेंट से जाते हैं। अच्छा ये वेंट नहीं है, मतलब ऐसे ये। चलो ये गेट मिल गया, यहाँ पे कई लॉकर से ये लॉकर चेक करते हैं। अबे दब दब क्यों नहीं रही है? अरे यार ये मेन रोड आगे करंट दे दिया। कोई नहीं, हम इसमें चेक करके ही जाएंगे। आईडी कार्ड कहाँ गया, ये रहा। चलो यहाँ पर कुछ सिलेंडर है, वो भी देख लेंगे उसका क्या यूज़ है। पहले ये आईडी कार्ड ला जा ले जाके लगाते हैं कहीं पे। मैं कब से फालतू में इधर उधर घूमते जा रहा, लेकिन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। ये शायद पीछे का साइड है, इधर से भी देख लेते। इधर एक वेंट जा रहा है, इसमें से जा सकते हैं। ये हम पता नहीं किस साइड आ गए हैं। यहाँ पे मिनी रोड है, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ कहाँ पे है। ये तो वही है क्रैक्ड फ्लोर, जहाँ से हमें उस गेंडे को गिराना है। उससे तो हम बदला लेंगे ही। उसे छोड़ो, पहले इस आईडी कार्ड का देखते हैं, आईडी कार्ड का क्या है। एक बार फिर भी देख लेता हूँ। हाँ ये वही क्रैक्ड फ्लोर है, लेकिन आईडी कार्ड का यह क्या यूज़ है पहले मुझे वो ढूंढना होगा। चलो जहाँ से मैं आया था वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये डोर ओपन करते हैं। अरे नहीं ये भी नहीं है, तो शायद इस साइड वाला डोर होगा। ये भी नहीं है, कैसे से रास्ते बना रखे इसने। अच्छा पीछे था, तो चलो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे यूज़ होगा शायद, एक में तो लग ही जाएगा। इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका नहीं है। चलो एक में लग गया। कारपेट मिला है, पता नहीं कारपेट का क्या यूज़ है। उसे छोड़ो, यहाँ पे एक आइसक्रीम है, उसे ले जाके हम लगा के देखते हैं लगता है या नहीं। तो मैंने आइसक्रीम ले लिया है, अब मैं ले के जा रहा हूँ इसे उसी साइड। मेरे को रास्ते याद नहीं है, फिर भी पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, याद भी हो जाएंगे रास्ते धीरे धीरे। यहाँ पे बंद है, तो मैं दूसरे साइड से चलता हूँ वेंट से। इस वेंट के थ्रू नहीं, मैं दूसरी साइड नहीं आया, उसी जगह आ गया। चलो वापस जाते हैं, उस बाथरूम के तरफ जाते हैं वेंट से। थोड़े बहुत रास्ते तो याद हो गए हैं मुझे। हम आ चुके दूसरी साइड पे, यहाँ से पहुँच जाएंगे हम डायरेक्ट उस साइड। शायद यहीं पे था, हाँ ये रहा। लगा के देखते लगता है या नहीं। चलो लग गया है। तो आई होप ये गेम प्ले वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।